कोई दुनियादारी दे अंदर मनुख ऐसा हो जिहड़ा जिस काम दे लई समाज विच विचरदा होवे ते उहनूं तां ही भला आखिया जांदा है जे वह अपने काम विच पूरा हो गया। मन लो कोई बंदा बिजनेस करन लगा है, व्यापार करन लगा है, तो वह व्यापार के अंदर जिदन शिखरता ते पहुँच जाता है उदन ही आख्या जाता है भी ये बंदा बड़ा चंगा व्यापारी है। जे कोई नौकरी करता है तो वह अपनी नौकरी के अंदर अपने काम के अंदर जिदों निपुण होता है, अपने काम को बड़ी मेहनत दे नाल करता है, तो जिहड़ा उहदे उत्ते उहदा बॉस हुंदा है वह भी कहिंदा भी आ बंदा बड़ा ईमानदार ते बड़ा सुचज्जा है, इहनूं जिहड़ा काम दे दईए इह अपने समें ते पूरा करदा है। वडियाई उसे दी है जिन्हें अपने काम नूं बड़ी तन देई नाल कीता है ते बड़े चंगे ढंग नाल पूरा कीता है, वह बंदा कामयाब भी है ते वडियाई दा पात्र भी है। इसे तरह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने बंदिया परमात्मा ने तैनू दित्ती है दे, इहदा भी कोई प्रयोजन है, इहदा भी कोई एम है, इहदा भी कोई निशाना है, तो तुसीं बाणी रोज़ पढ़ते हो, मैनू कहण की जरूरत तो नहीं। गुरु नानक साहिब पातशाह गुरु अर्जन साहब जी के अमोलक बचन पातशाह कहिंदे ने भई प्राप्त मानुख देव हरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। गोबिंद मिलन की उन्हें बड़ा गंभीर सवाल है परमात्मा नू मिलना। परमात्मा की है? गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने रूप ना रेख ना रंग किस त्रेह गुण ते प्रभ भिन्न। परमात्मा की है? सब कहिंदे ने उहदा कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, कोई रंग नहीं, वह कोई साढ़े तरह कोई घर बना के नहीं बैठा होया भी सानू जिवें असीं किसी नूं मिलना होवे ते असीं एड्रैस पुछदे हां भी किहड़ी थां ते रहिंदे हो। हुण परमात्मा का एड्रैस की है? रब नहीं कित्थों लभांगे, किहड़ी जगह ते उहने घर बनाया है? चलो जी उहदा घर कोई नहीं ते कोई फोन नंबर होए भी मिला लीए तो गलबात ही हो जाए रब नाल। हुण जिंदा रूप रेख ते रंग ही कोई नहीं उन्हूं किवें मिलिया जाए? गोबिंद मिलन की इह तेरी बरिया। मैं बेनती करां सात संगत कदी साडे मन विच इह सवाल पैदा होए ने बाणी पढ़दे हां, अगर साडे मन विच इह सवाल पैदा नहीं होए तो इहदा मतलब है सिर्फ मैं गुरबाणी नूं पढ़ रहा, मैं सिर्फ गुरबाणी दे अंदर लिखे हुए अक्षरां नूं रोज़ रोज़ दोहरा रहा, रिपीट कर रहा, पर मैं अज तक जानने का यतन ही नहीं किया। मैं जग्यासु बनया ही नहीं, मेरे अंदर जग्यासा पैदा ही नहीं हुई। साढ़े विचों कोई भी इंसान होवे जिन्हें कोई व्यापार करना होवे, मान लो मैं ही होवां, मैं कोई बिजनेस ही करना होवे, ऐसा तो नहीं मैं राती सुत्या पिया सोचिया भी सवेरे उठ के मैं कपड़े का व्यापार क्यों ना शुरू कर दिया ते सवेरे बाजार विच जावां कुछ कपड़े खरीद के ते कोई दुकान लैके ते उन्दे विच माल पा के ते बह जावां, आखा जी मैं ते हुण कपड़े का व्यापारी बन गया, पर मैनूं पता कोई नहीं उन्हूं वेचना किवें है, क्योंकि पहलां ते गुर सिखने पैणगे ना कोई भी काम करना है। ते ऐसा तो नहीं है भी मैं शरीर ते चिट्टा कोट पा के ते कोई दुकान खोल के बाहर लिख दिया मेरा नाम दे अगे ला के डॉक्टर अमरीक सिंह, तो ऐसा तो नहीं भी हुण मैं कोई डॉक्टर बन गया भी बाहर क्लीनिक दे नाम भी लिखिया गया है, क्लीनिक भी खुल गया, चिट्टा कोट भी पा लिया, पर ख्याल करियो हुण मैनूं पता ही नहीं बीमारी दे नाल जुड़ी हुई किहड़ी ऐसी दवाई है जिहड़ी इस बीमारी दे अंदर बंदे नूं देनी है। उन्दे लई ते मैनूं एक प्रोपर स्टडी करनी पएगी ना, एक तरीके दे राही एक तरीका है जिहदे विचों मैनूं अपनी स्टडी पूरी करके इस मुकाम तक पहुँचना पएगा।
इसे तरह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहिंदे ने जे तू परमात्मा नूं मिलना है, जे तू रब नूं मिलना है, ते तेनू भी अपने जीवन विच कुछ गुण धारण करने पैणगे जिहड़े तेनू परमात्मा नाल मिलाणगे। जदों आपां बाणी पढ़ने आ ते सब तो पहला गुरु नानक साहिब जी ने की जिक्र किया है, परमात्मा दे गुणां दा जिक्र किया, एको ओंकार कि वह एक है, कि इस भुलेखे विच ना पै जाई भी उहनूं मैं कित्थे लब्भां, कि किन्ने होणगे परमात्मा, ऐसा नहीं भी मेरा रब वखरा ते तुहाडा रब वखरा। जिन्हां ने आपो तापी अपने अपने रब बनाए वह खुआर हो गए संसार विच, उहनां नूं ही कुछ मिलिया। भाई साहब भाई गुरदास जी की एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, वो कहिंदे ने कलयुग बोध अवतार है, बोध अबोध न दृष्टि आवे, कोई ना किसे वरजई जोई करे सोई मन पावे। कहिंदे कलयुग दा पता ही किसे ने अनुमान लाना होवे, वेखना होवे भी कलयुग की है, ते भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने कलयुग उत्थे है जिथे चंगे ते मंदे दी सूझ खत्म हो जाए, बोध अबोध न दृष्टि आवे, जिथे चंगे ते मंदे दी सूझी सोझी खत्म हो जाए ना, भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने उत्थे कलयुग है। फिर दूजा कहिंदे ने उत्थे कोई किसे नूं वरजेगा नहीं, उत्थे परिवार दे चार जी ने ते चार जी वह काम करनगे जिहड़ा जिन्हां दे मन विच जिहड़ी गल आउंदी उह करनगे। ध्यान देना, पति कहेगा मैं ते अपनी मर्जी नाल करना है, पत्नी कहेगी मैं ते अपनी मर्जी करनी है, पुत्र कहेगा मैं ते अपनी मर्जी करनी, धी कहेगी मैं अपनी मर्जी करनी है। ध्यान देना, तुसी अनुमान लाओ भी एक घर दे छत थले चार जी ते चारों ही अपनी मर्जी नाल जीना चाहते हैं, वह घर कभी सुखी रह सकता है? उस घर के अंदर मनो कभी सुख नहीं आएगा जिथे सारिया की विचारधारा वखो वखरी हो गई। फिर अगली गल भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने कोई ना किसे वरजई जोई करे सोई मन भावे, किसे पूजी सिला सुन। किसे ने पत्थर पूजना शुरू कर दिता, कहिंदा मैं ते पत्थर पूजांगा, मैनू ते पत्थर विचो रब मिल गए। कोई गोरी मड़ी पूजावे, किसे ने आख्या मैं ते मड़ियां दी पूजा करांगा। हुण यह है कलयुग की दृष्टि, यह है कलयुग का अवतार, यह है जिथे कलयुग वरत रहा। पर सतगुर पातशाह जी इसे करके तो कहते ने आप मैं तेनों दसा भी परमात्मा है कि जे रब नाल जुड़ना है तो पहलों उनके सरूप नूं जान। बड़ी सिंपल जी गल है, क्योंकि जिंदा रूप नहीं, देख नहीं, कोई रंग नहीं, कोई अड्रैस नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, उन्हें किवें किवें उनके तक पहुँचांगे? उनके तक पहुँचने के लिए जरूरी है उनके गुणा नाल जुड़ जाइए। सतगुर कहते उनके गुणा नूं अपने जीवन में धारण कर लै, जिदन उनके गुण तेरे जीवन में आ जाएंगे उदन तू रब नाल मिल जाएगा। और पावन बाणी बारह माह की बाणी सानू यही चीज दे रही है, क्योंकि लोगों ने ना धर्म के नाल नाल धर्म नू इस थान ते लिया के खड़ा कर दिता जिथे ये कहा जान लगा भी आ समा चंगा है, आ समा माड़ा है, इस समय अंदर आ काम करना चाहिए, इस इतों तक रब की पूजा करनी है, तो उनके लिए भी मुहूर्त कढ़े जाते सन। कमाल की गल है, परमात्मा नू चेते करना है तो समा बचना पेगा। हुण ख्याल करिए तो यही गल हुई भी किसी बंदे नू लगी होवे बड़ी करारी भुख, तो उन्होंने कहा जाए भाई अजे मुहूर्त आएगा तो तेनू खाण नू मिलेगा, वो कहेगा तेरे मुहूर्त आंदियां तक भावें मेरा काम हो जाए, भावें मैनू सह ही ना आवे, अगला भाई तू अपना मुहूर्त एक पासे रख, मैनू कुछ खाण नू दे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी बख्शिश करते हैं, पातशाह कहते हैं बस जिदन जीवन की जुगत समझ आ गई,